इत्तेहाद न्यूज़ में आपका खैरे मकदम है। आज समाजी खिदमतगर सिमा इनामदार के शौहर आसिफ इनामदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनकी अलिया तबस्सुम के इल्जामात का जवाब दिया और तमाम इल्जामात को खारिज किया। वाजह रहे कि आसिफ इनामदार और सिमा इनामदार को तबस्सुम, जो इनकी पहली बीवी है, इन्होंने इन पर हमला करने का इल्जाम लगाकर फरियाद दर्ज की थी। लिहाजा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दूसरी शादी क्यों की और इनके साथ क्या हुआ, इस पर अपनी बाजू रखने की कोशिश आसिफ इनामदार ने की। अदालती कार्रवाई का भी जिक्र किया गया। खैर, अब ये मामला जेरे अदालत है और जो भी फैसला अदालत की तरफ से आएगा इस पर अमल किया जाएगा, ऐसा भी आसिफ इनामदार ने कहा। और साथ में सिमा इनामदार ने भी पिछले इल्जामात को रद्द करते हुए कहा कि किसी का घर तोड़कर मैंने अपना घर नहीं बसाया है, किसी तरह की अर्जी घरेलू झगड़ों की मेरे पास नहीं आई थी बताया। आसिफ और इनकी मुलाकात शादी.com के जरिए हुई थी। आए देखते हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा। इस वक्त इनके वकील भी मौजूद थे। इत्तेहाद न्यूज देखने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ इनामदार है। मैं कर्नाटक का बेलगाम का रहने वाला हूँ। मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। मुझ पर एक इल्ज़ाम लगाया गया है कि मैं एक बीवी रहते हुए मैंने दूसरी निकाह करके ली है। ये बात तो टोटली गलत है और मैं साबित कर सकता हूँ कि ऐसा नहीं हुआ है। मैंने तलाक दिया है अपनी पहली वाइफ तबस्सुम को, और ये जो तलाक दिया है मैंने 9 नवंबर 2021 में ही दिया है। तलाक देने के बाद में ही मैंने दूसरा निकाह किया है। तलाक देने के लिए जो है, मैं सबसे पहले अपनी वाइफ को पूछा था कि हम म्यूचुअल जो है डिवोर्स लेंगे और उसके लिए हम कोर्ट को जाएंगे, तो वो जो है इस बात से इनकार कर दी और वो म्यूचुअल डिवोर्स के लिए राज़ी नहीं हुई। तो जब भी फिर उसके बाद में मैं फैमिली कोर्ट गया, जाके वहाँ पे पूछा कि मुझे कोर्ट से तलाक लेना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है। तो उन्होंने सबसे पहला पूछा कि आपका कास्ट क्या है। मैं बोला मैं एक मुस्लिम हूँ, मुस्लिम हस्बैंड हूँ। तो फैमिली कोर्ट से पता चला कि मुस्लिम हस्बैंड जो है वन साइडेड कोर्ट से तलाक नहीं ले सकता, उसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। लेकिन जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए प्रोविज़न है, वो वन साइड डिवोर्स हस्बैंड वन साइड डिवोर्स कोर्ट से ले सकता है, लेकिन मुस्लिम हस्बैंड कोर्ट से डिवोर्स वन साइड नहीं ले सकता है। ये बात मुझे क्लियरली मालूम पड़ गई। तो फिर उसके बाद में जो है मैंने बहुत सारे वकीलों के पास गया, जाके राय मशवरा किया, ओपिनियन लिया, तो वो लोग भी जो है फिर बाद में सब कुछ मालूम करना शुरू कर दे कि अभी वन साइड डिवोर्स कैसे लिए। तो उसके लिए जो है मुझे एक कोर्ट से जो है मुझे एक जजमेंट मिला कलबुर्गी हाईकोर्ट का। कलबुर्गी हाईकोर्ट के जजमेंट में ये क्लियरली लिखा है कि मुस्लिम हस्बैंड शुड नॉट अप्रोच टू द कोर्ट फॉर डिक्री ऑफ डिवोर्स फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज। और इसमें ये जो मैं आपको कॉपी दिखा रहा हूँ, ये हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका कलबुर्गी बेंच का है। इसमें क्लियरली लिखा है इस जजमेंट में कि अगर मुस्लिम हस्बैंड को डिवोर्स लेना है तो ये कोर्ट को नहीं आना चाहिए और उसको जो है शरीयत के हिसाब से डिवोर्स लेना चाहिए। हस्बैंड को जो है राइट्स है कि वो अपनी वाइफ को जो है शरीयत के हिसाब से डिवोर्स दे सकता है। और इसमें ये भी लिखा है कि एक सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट हुआ था शायरा बानो के केस में, उसमें जो है जो लिखा गया है, जो बताया गया है कि मुस्लिम हस्बैंड को कैसे डिवोर्स देना है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस है कि उसमें ये लिखा है कि तल्ला के अहसन और तल्ला के हसन ये दोनों जो है ना ये बहुत अच्छे मोड है और इस पर जो है तलाक दे सकते हैं। और तलाक के उसका जजमेंट मैं आपको बताता हूँ, शायरा बानो केस का ये है जजमेंट। तलाक के एहसान जो है ये एक सिंगल प्रोनाउंसमेंट होता है, इसमें एक से दो तलाक नहीं दे सकते, उसको एक ही तलाक देना होता है। और ये 3 महीने तक अगर हस्बैंड चाहे तो उसको वापस ले सकता है, लेकिन मैंने उसको वापस नहीं लिया। तलाक के एहसान जो है ना
इसको मुस्लिम्स के जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ है जो उन्होंने सब इस तलाक के एहसान को सराहा है, और सबसे बेहतरीन और अच्छा तरीका जो तलाक का होता है, जो मोड ऑफ डिवोर्स होता है, वो तलाक के एहसान है। और जितने भी वर्ल्ड के जितने भी मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने भी इसको सही कहा है कि सबसे अच्छा जो तरीका है तलाक देने का वाइफ को, वो तलाक के एहसान है। और फिर उसके बाद में मैंने फिर मेरे वकील साहब जो है उन्होंने एक तलाकनामा बनाया, उसमें तलाकनामा में तलाक के एहसान का जो फॉर्मेट है वो सब कुछ लिखा उसमें। फिर उसमें जो कुछ लिखना था जो फॉर्मेट के हिसाब से लिखा है उसमें ये भी लिखा है कि तलाक देने का रीज़न क्या है। फिर उसमें जो है मैंने जो है उनको मेहर जो मेहर की जो पैसे दिया था वो और एक बार देने लगाया, और 3-4 महीने का मेंटेनेंस था वो भी मैंने उनको देने लगाया। तो उसमें जो है मैं बैंकर्स चेक भी मैंने इशू किया है उनको, ये आप देख सकते हैं, ये बैंकर्स चेक है जिसके साथ तलाकनामा के साथ मैंने इनक्लोज किया था, और ये है मेरा तलाकनामा। तलाकनामा में बना के फिर बाद में जो है वकील के थ्रू से बना के मैं साइन वगैरह करके उसका जो प्रोसीजर है जो उसको फॉलो किया मैंने, फिर उसके बाद में जो है पोस्टल डिपार्टमेंट से उसको सर्व कर दिया। पोस्टल डिपार्टमेंट से मैंने जब उसको भेजा है तलाकनामा तबसम को, तो उन्होंने रिसीव किया और उसका एक्नॉलेजमेंट ये है। फिर उसके बाद में मेरा तलाक मुकम्मल हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा तलाक नहीं हुआ है। और एक हस्बैंड को जो है तलाक देने के बाद में ये राइट्स है कि वो दूसरी शादी कर सकता है। ये मैंने जितने भी जजमेंट्स बताए, आप जितने भी लोग सुन रहे हैं भारत के सभी लोग, आप किसी से भी ये पूछ सकते हैं, किसी के पास भी जाके इंक्वायरी कर सकते हैं क्या ये सच है क्या गलत है। मैं कुछ भी झूठ नहीं बता रहा, जो कानून बना है इंडिया में, जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है और जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है मैं उसी को फॉलो किया है। मैं भारत के सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये मैंने जो तलाकनामा जो बनाया है और जो मैंने जजमेंट बनाया, आप चाहे तो इसको इसके बारे में किसी को भी पूछ सकते हैं। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया कि एक बीवी रहते हुए मैं दूसरी शादी करके लिया, ये कहना बिल्कुल गलत है। मेरा तलाक हो चुका है, मेरी एक्स वाइफ और उसके घर वाले जो उसके भाई वगैरह है ये सभी क्रुएल्टी है, ये जुल्म करने वाले हैं। मुझे मेंटली टॉर्चर किया गया, मुझे मेंटली हरासमेंट किया गया। एक्स वाइफ जो है तब उसका गुस्सा नाक के ऊपर है, वो बहुत वो तेज़ गुस्से वाली और बहुत ज़िद्दी है वो, और जो है उसका घमंड मस्ती बहुत है। वो कभी मेरे साथ अच्छे से प्यार मोहब्बत से नहीं रही, वो हमेशा झगड़े करने का, ऑफिस जाते समय झगड़े करने का, ऑफिस आने के बाद झगड़े करने का, घर का काम अच्छे से ठीक से रखने का नहीं, कुछ अच्छा करने के लिए बोले तो करने का नहीं, उल्टे जॉब देते रहने का। मैं इसके पहले भी 2016 में डिवोर्स केस में डाला था कोर्ट में, कोर्ट में जब मैं डिवोर्स केस डाला था तो उस वक्त प्रोविजन था कि मुस्लिम हस्बैंड डिवोर्स दे सकता है, उस वक्त था। लेकिन अभी वो 2017 से उन्होंने वो उस केस उसको प्रोविजन को हटा दिया है। जब मैं डाला था तो उसके में वो डाला है करके मुझ पर मारपीट की है। मेरे अब्बा जो 78 थे, 78 ईयर्स के हमारे अब्बा थे, बुजुर्ग थे, 30-40 थप्पड़ मारे, हाँ सर पर मारे, बदन पर मारे, हाँ लोखंड के बार से मारे। ये सुबहानी इस्माइल और उसके गुंडे लोग थे वो, ये मेरी एक्स वाइफ जो है ना मारपीट करने लगाई है। फिर ये मैटर लेकर मैं APMC पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी किया हूँ वहाँ पर, जी हाँ। और मेरे ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाया कि मैं घर नहीं चलाता, मैं मेंटेनेंस में नहीं देता, तो इस बात के ऊपर जो है झूठा केस डाला। मेरे बच्चों ने भी जो है जालिमों का साथ दिया और उन्होंने भी विटनेस बन गए कोर्ट में, और वो लोग फैमिली कोर्ट चले गए। फैमिली कोर्ट में जाके मेरे ऊपर झूठा केस डाला कि मैं जो है मेंटेनेंस नहीं देता करके। फिर बाद में केस जो है 2-3 साल तक चला, फिर मैं कोर्ट में प्रूव करके दिखाया तो बच्चे नहीं चाहते थे कि ये डिवोर्स हो जाए करके, लेकिन वो तकलीफ़ मैं झेल रहा था। बच्चे अभी उतना मैच्योर नहीं है,
हालत से जो मैच्योर होते हैं वो बात वो समझ सकते हैं कि इसकी तकलीफ क्या है, वो दर्द क्या है, लेकिन बच्चे तो छोटे ही हैं, वो उतने मैच्योर नहीं है कि इस मामले को समझे। मैं हम लोग शादी के बाद में जो है शादी तो हमारी हो गई थी 5 फरवरी को, फिर उसके बाद में मुझे मेरी गाड़ी की ज़रूरत थी, तो मेरी गाड़ी की ज़रूरत के लिए मैं अपने घर गया हनुमान नगर, तो मैं ऑटो में गया था। मेरे साथ कोई महिला नहीं थी वहाँ पर, कोई औरत नहीं थी, एक ऑटो ड्राइवर था और मैं ही था। मैं जाके दरवाज़ा खटखटाया तो किसी की आवाज़ नहीं आई, तो आजू बाजू खिड़की में देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं थे, और मैं फ़ोन किया तो फ़ोन कोई भी नहीं उठा रहे। मैं अपने बेटे को फ़ोन लगाया, मैं एक्स वाइफ को फ़ोन लगाया तो कोई भी नहीं उठा रहे। फिर मैं चाबी ओपन किया, मेरे पास एक चाबी थी घर की, मैंने इसको ओपन किया, ओपन करके घर की चाबी, मैंने गाड़ी की चाबी लिया और गाड़ी की चाबी लेके फिर मैं गाड़ी लेके वहाँ से मैं बाहर निकला। ये जो जुम्मे का दिन हुआ, ये जो बता रहे हैं कि जुम्मे का दिन था, मैं वहाँ पे घर पे गया, फिर एक्स वाइफ को मारपीट किया, फिर उसको ढकेला, फिर उसकी मेरी बहस, ये सभी झूठ है। वहाँ पर कोई भी नहीं थे, कोई भी नहीं थे। यहाँ तक कि मेरा छोटा बेटा जो फाजिल जो गवाही दे रहा है कि पापा जो है मार कर चले गए बोल रहा है, उसने भी नहीं देखा कि पापा को मारते हुए, उसने भी नहीं देखा है। उसको पूछो बुला के क्या वो पापा वाइफ को मारते हुए देखा क्या, मारते हुए उसने बिल्कुल नहीं देखा। उसको सिखाया गया है, उसको बहकाया गया है, ये एक साजिश है, मुझे फंसाने की एक साजिश है, मुझे जेल में डालने की साजिश है, ये पूरा झूठ है, ये साजिश है, मुझे फंसाने की साजिश है। और इसी बात को लेकर उन्होंने FIR बनाया, फिर FIR बनाने के बाद में पुलिस में इंक्वायरी के लिए हमको बुलाया, तो हम पुलिस जो है हम इंक्वायरी के लिए गए वहाँ पर, तो हमने पुलिस को भी एक्सप्लेन किया, मैंने अभी जो किया वही एक्सप्लेन किया। फिर पुलिस ने पूछा कि तुम्हारा तलाक हुआ कि नहीं, तो मैंने पूरा डॉक्यूमेंट्स बता दिया अपने, जो भी मेरा डिवोर्स हुआ है मैंने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स बता दिया, तो पुलिस भी वो देख कर जो है ना सभी पढ़ के ले लिए, और पढ़ लिख कर फिर बाद में पढ़ने के बाद उन्होंने हमको छोड़ दिया। सीमा इनामदार के ऊपर बहुत गलत गलत आरोप लगा रहे हैं कि उनकी साजिश थी, उन्होंने घर जोड़ने के बजाय घर तोड़ दिया, ये सब पूरा झूठ है। मैं साबित कर सकता हूँ, मैं प्रूव कर सकता हूँ, हमारे पास एक ऐसा प्रूफ है कि हमने जो शादी की है वो एक अरेंज मैरिज है, और शादी करने से पहले हम दोनों सबसे पहला shaadi.com में मिले थे। हमारा दोनों का shaadi.com में रजिस्टर है, आप चाहे तो पेपर्स मेरे देख सकते हैं। तो वहाँ पर हमने एक दूसरे को लाइक किया, फिर बाद में लाइक करके फिर एक दूसरे को पसंद करे, फिर बाद में मैं उनके घर जाके लड़की को सामने जाके देख के पसंद किया, फिर उसके बाद में एक दूसरे को हम पसंद करने के बाद में जो है हमने निकाह करके लिया, दूसरा विवाह करके लिया है। और वो जो है ना मुझे दोबारा हासिल करना चाहती है, वो मेरा ही हस्बैंड बन के रहे, किसी और का नहीं। और उनको जो है ना मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत आस है, मेरा जो घर है हनुमान नगर में उसके ऊपर उनकी बहुत आस है। वो एकदम लालची औरत है, प्रॉपर्टी के लिए बहुत लालची है। मेरी दूसरी शादी होने के बाद में उनको जो है अभी जो है उनकी जो है नीयतें ख़राब हुई है, और उसको और वो जो है तकलीफें बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, वो जेलस हो रहे हैं, वो जेलस हो के जो है ना मुझे जो है ना हर तरीके से टॉर्चर करना शुरू किया है, झूठे इल्ज़ाम लगा के, FIR किया, पुलिस में कंप्लेंट किया, जगह जगह पर दूसरे जगह पर कंप्लेंट किया, ऐसा ये सभी जगह कर रहे हैं, और मीडिया को दूसरों को भड़का रहे हैं, सोशल वर्कर्स को तैयार कर रहे हैं, उनको बहका रहे हैं। मैं जितना भी स्कूल की फीस भरता था, घर चलाता था, उसके रिसिप्ट, राशन मैंने जो परचेस किया, लाइट की बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर घर का टैक्स, वो सब कुछ जो है ना मेरे पास प्रूफ था, मैंने कोर्ट में प्रूव करके दिखाया। तो जैसे ही मैंने प्रूव करके दिखाना शुरू किया और मेरी एप्लीकेशन फाइनली चली गई, तो फाइनली जजमेंट होने वाला था फैमिली कोर्ट से कि मेंटेनेंस के ऊपर, तो जैसे जजमेंट होने वाला था, तो जजमेंट होने से पहले और जो शातिर दिमाग की है तबसुम, उसने क्या किया कि अपना केस जो मेंटेनेंस के लिए जो डाला था उसने विड्रॉ करके लिया।
तो इससे जो ना मैं बहुत अभी अपसेट हो गया हूँ। मेरे दोनों बच्चे भी बात नहीं कर रहे, और मेरे दोनों बच्चों को वो बुरा सिखा के अपनी तरफ ले रही है, और दोनों बच्चे गुनाह की तरफ जा रहे हैं। वो अपने वालिद को, बाप को भूल रहे हैं कि मैंने कितना उनको अच्छे से जो है परवरिश किया, और कितने अच्छे से प्यार मोहब्बत से एज ए परफेक्ट फादर मैंने उनको उनको जो है परवरिश किया हूँ। इनके एलिगेशंस के बारे में कोर्ट में हमें कुछ केस नहीं है अभी, वो 498 इतना ही हुआ है, 498 इतना हुआ है। 494 जो है सेकंड मैरिज की है बोल के बोल रहे हैं। सेकंड मैरिज जब मुस्लिम लॉ में पर्सनल लॉ परमिट करता है दूसरी मैरिज, तो 494 होता कैसा है हम लोग लड़ेंगे केस जो भी है आगे, जो भी मुद्दा होगा हम लोग इंसाफ के लिए लड़ेंगे। हमने कोई जुर्म नहीं किया है, हमने हमने कोई भी जुर्म नहीं किया है। हम जो है ना हर स्टेप उठाएंगे, हर स्टेप लेंगे। हम जब भी कंप्लेंट लेते हैं एक कॉपी रहता है, एक कंप्लेंट कॉपी रहता है, तो उनको प्रूव करने बताओ कि हाँ हमने कंप्लेंट दिया था बोल के। तो मैं उनको अभी तक देखी नहीं हूँ, जानती भी नहीं हूँ। और ये जो बोल रहे हैं बैठ के रोड पे, जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोल रहे हैं कि एक सीमा इनामदार घर जोड़ने वाली घर तोड़ दिया वो लायक ने, मतलब ऐसे अल्फाज यूज़ कर रहे हैं, ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं करना चाहिए मेरे बारे में। मैंने ऐसे कुछ किया नहीं है, और वो खुद कबूल रहे हैं कि सीमा इनामदार को नहीं जानते। एस चैनल और इत्तेहाद न्यूज़ वाले जो वहाँ पे रुक के पूछ रहे थे कि आप उन्हें जानते हैं क्या, वो सोशल वर्कर है जानते हैं क्या, वो खुद बोल रही है कि मैं सीमा इनामदार को नहीं जानती। तो ये आयशा वहाँ पे बैठ के बोल रही है कि जो सोशल वर्कर है उन्होंने गलत, मतलब मेरा एक गलत मैसेज दिया जा रहा है वहाँ पे, और ये सरासर झूठ है कि मैंने उन्हें यह पटाया, ये किया, वो किया, ऐसा कुछ नहीं है। सभी को पता है कि मैं सेकंड मैरिज के लिए शादी.com में डाला था, तो हमारी पहचान शादी.com से ही हुई है। यहाँ पे जो भी है बातें गलत हैं, पब्लिसिटी के लिए उन्होंने बहुत कुछ बोला, और मेरे वीडियोस ये सभी वायरल किए। बहुत लोगों ने हमें विश भी किया, बहुत लोगों ने बोला कि क्यों ऐसे किया, आयशा को कुछ दिए हैं क्या ऐसे करें, या उसके या वो खुद बोल रही है या तो उसके पीछे कोई तो है ये बोलने के लिए उसे बोला गया है। तो मैं, मेरा इतना ही मैसेज है कि ये सब झूठ है। एक मैंने उनका जो तलाक हुआ था 9 नवंबर 2021 में कुछ उनका तलाक हुआ है, तलाक पेपर देख के मैंने शादी किया है, मैंने गलत नहीं किया है, मैंने इस्लामी तरीके से मैंने शादी किया है। बहुत लोग करते हैं, मैंने भी किया है, मैंने गुनाह नहीं किया है, मैं मेरे तरफ से सही हूँ।